हम सबको पता है कि बॉलीवुड को रिमेक बनाना कितना पसंद है। एक साल में इनके न जाने कितने ही रिमेक आ जाते हैं। ऐसे ही अब दो साउथ की मूवीज के दो रिमेक्स आ रहे हैं जिनके ट्रेलर्स रिलीज हो चुके हैं, जिसमें एक है अजय देवगन की भोला और दूसरी है कार्तिक आर्यन की शहजादा। अगर आप लोगों को नहीं पता कि ये दोनों ही साउथ की किन मूवीज के रिमेक्स है तो मैं बता देता हूँ। सो ये जो अजय देवगन की भोला फिल्म है ये साउथ की कैथी इस मूवी का रिमेक है और कार्तिक आर्यन की शहजादा ये साउथ की अल्लू अर्जुन की आला वैकुंठपुरमुल्लो इस फिल्म का रिमेक है। वैसे तो मैं इन दोनों ही टीजर ट्रेलर्स के ऊपर अलग अलग वीडियो बनाने वाला था, लेकिन भोला के टीजर में उतना भी ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है और शहजादा का टीजर तो पूरा का पूरा कॉपी ही लग रहा है, जिसकी वजह से मैंने सोचा कि हटाओ यार, एक ही वीडियो में कवर कर लेते हैं। अच्छे हो या बुरे, दोनों ही रिमेक ही तो है। जो भी है, पहले शहजादा के ट्रेलर के ऊपर बात कर लेते हैं, फिर भोला के टीजर पे बात कर लेंगे। सबसे पहले शहजादा का ट्रेलर देखने के बाद मुझे ये तो समझ में आ गया कि ये फिल्म अल्लू अर्जुन की आला वैकुंठपुरमुल्लो की सीन टू सीन कॉपी होने वाली है, क्योंकि इस ट्रेलर को देख के हमें क्लियरली समझता है कि एग्जैक्ट कॉपी किया है इन लोगों। अब रिमेक किसे कहते हैं, जो फिल्म ऑलरेडी बन चुकी है उसी की स्टोरी को लेके थोड़ा सा डिफरेंट टेक लिया जाता है उसपे, इसे रिमेक कहते हैं। लेकिन ये लोग जो कर रहे हैं वो रिमेक नहीं है, सीधा सीधा कॉपी है। साला हम लोग एग्जाम में भी जब किसी फ्रेंड से कॉपी करते हैं तो उसमें भी थोड़े से चेंजेस करके लिखते हैं, लेकिन इनसे वो भी नहीं हो पा रहा है। शहजादा के ट्रेलर में अल्लू अर्जुन की आला वैकुंठपुरमुल्लो से कुछ डिफरेंट है तो वो है इसके थोड़े से सेट डिजाइन और एक्टर। और सच कह रहा हूँ, आला वैकुंठपुरमुल्लो की स्टोरी में मैं अल्लू अर्जुन के अलावा किसी और को इमेजिन भी नहीं कर सकता। इसलिए जब मैं शहजादा का ट्रेलर देख रहा था तो इसमें कार्तिक आर्यन को देख के मुझे थोड़ा सा वियर्ड जरूर फील हुआ। देखो, अभी इसका मतलब ये नहीं है कि कार्तिक आर्यन एक अच्छे एक्टर नहीं है। इससे पहले कार्तिक आर्यन की फ्रेडी इस फिल्म का टीजर आया था जिसकी मैंने बहुत तारीफ की है, अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो। बस प्रॉब्लम ये है कि हम लोगों ने आला वैकुंठपुरमुल्लो इस फिल्म में अल्लू अर्जुन को ऑलरेडी देख लिया है और वो फिल्म भी ऑलरेडी बहुत हिट हुई थी, जिसके बारे में सबको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी फिल्म का रीमेक बनाना एक सही डिसीजन है। फिर भी हो सकता है कि इन लोगों ने इस फिल्म में कुछ चेंजेस किए हो और शायद से ये फिल्म अच्छी भी निकल जाए, क्योंकि इससे पहले कार्तिक आर्यन की भूल भुलैया 2 के साथ भी ऐसा ही हुआ था। इसका ट्रेलर लोगों को पसंद नहीं आया था, लेकिन जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म लोगों को पसंद आई। अब देखते हैं, अगर ऐसा होता है तो अच्छा ही है। सो अब बात करते हैं अजय देवगन की भोला इस फिल्म के टीजर की। तो ये एक रीमेक होने के बावजूद सच कह रहा हूं, मुझे इसका टीजर बहुत पसंद आया। वैसे इस टीजर में ज्यादा कुछ दिखाया नहीं है, बस अजय देवगन का जो भोला का कैरेक्टर है उसका ही इस टीजर में इंट्रोडक्शन दिया है। लेकिन अगर सच कहूं तो मुझे भोला का टीजर पसंद आने के पीछे एक रीजन ये भी है कि इसकी जो ओरिजिनल साउथ वाली फिल्म है कैथी, उसे मैंने नहीं देखा है। आई नो कि ऐसा हो सकता है कि जिन लोगों ने भी कैथी ये फिल्म देखी है उन्हें ये टीजर पसंद नहीं आया होगा, लेकिन मुझे आया है, क्योंकि जिस तरीके से भोला के टीजर में अजय देवगन के कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन दिया है वो मुझे बहुत अमेजिंग लगा। साथ ही इस टीजर के एंड में हमें जो सीन दिखाया है जिसमें अजय देवगन का कैरेक्टर त्रिशूल लेके एक फोर व्हीलर के ऊपर कूद जाता है, सच में वो सीन देख के मुझे मजा आ गया। वैसे भी अजय देवगन की दृश्यम 2 जो खुद ही एक रीमेक है वो अच्छी निकल के आई है, तो हो सकता है कि ये फिल्म भी अच्छी निकले, क्योंकि इसका टीजर तो मुझे प्रॉमिसिंग लग रहा है। जो भी है, मुझे शहजादा का ट्रेलर उतना कुछ पसंद नहीं आया, लेकिन भोला का टीजर मुझे बहुत पसंद आया। लेकिन फिर भी बात वही पे आ जाती है कि ये दोनों ही रीमेक्स है और ऐसी फिल्म्स के रीमेक्स है जो ऑलरेडी बहुत हिट हो चुकी है और जिसके बारे में लोगों को पता है। साथ ही आला वैकुंठपुरमुल्लो और कैथी, ये दोनों ही फिल्म्स हिंदी में अवेलेबल है। अब जिन्होंने भी इन साउथ की फिल्म्स को हिंदी में देख रखा है वो अब इनके रीमेक्स को पैसे देके थिएटर्स में देखने क्यों जाएंगे? इट डजंट मेक एनी सेंस। ये लोग क्या सोच के रीमेक्स बना रहे हैं, इनको ही पता है। जो भी है, कितना भी कुछ कह लो, ये दोनों ही फिल्म्स चलने वाली है। एटलीस्ट भोला की गारंटी दे सकते हैं कि ये फिल्म चलने वाली है, शहजादा का नहीं पता। कार्तिक आर्यन अगर भूल भुलैया 2 जैसे लोगों को सरप्राइज करेंगे तो ये भी फिल्म चल जाएगी। सो हाँ, एट द एंड मुझे भोला का टीजर बहुत पसंद आया, लेकिन शहजादा का उतना पसंद नहीं आया। भोला के लिए मैं एक्साइटेड हूँ, लेकिन आप लोग इन दोनों में से किस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो मुझे कमेंट में जरूर बताना। साथ ही अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसा ही कंटेंट और भी देखना है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो मिलता हूँ ऐसे ही किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।